Hello. I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all a new topic, that is Vygotsky's views on language development. And this lecture is in continuation with the previous lecture, that is Vygotsky's socio-cultural theory of cognitive development. So let's start. हमने जान लिया कि वाइगोट्स्की लेव वाइगोट्स्की ने हमें सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया संज्ञानात्मक विकास का। संज्ञानात्मक विकास में उन्होंने बताया था, आपने सुना होगा, जाना होगा, जान गए होंगे आप, कि जो संज्ञान है, जो कॉग्निशन है, जो हमारे मेंटल फंक्शंस हैं, उनके डेवलपमेंट में सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए वाइगोट्स्की का एक स्ट्राइकिंग व्यू पॉइंट लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए है, इसलिए भाषा के विकास में वाइगोट्स्की को पढ़ा पढ़ाया जाता है। तो क्या कहा इन्होंने भाषा के विकास के लिए? अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की, स्पीच बिगिंस एज अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजिंग एंड लेटर बिकम्स अ टूल ऑफ थिंकिंग। देखिए, जब वो सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जब कल्चर की बात कर रहे हैं, जब कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज को तो आना ही है, बिना भाषा के संस्कृति का कोई अर्थ ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो स्पीच है, जो बच्चा बोलना शुरू करता है, वो एक संप्रेषण का साधन होता है, उसके सामाजिकरण का साधन होता है, और बाद में उसके थिंकिंग का टूल बन जाता है। हम सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो भी तो भाषा है, तो थिंकिंग और लैंग्वेज को इन्होंने जोड़ा है। लेव वाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थियरी ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट डेवलपमेंट पोजिट्स दैट सोशल इंटरेक्शन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। हम लोग ने ये बात की, हमें जानना चाहिए, पता होना चाहिए कि लेव वाइगोट्स्की के हिसाब से हमारा जो बौद्धिक विकास है, उसमें सोशल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जब सोशल इंटरेक्शन रोल प्ले करता है तो लैंग्वेज रोल प्ले करता ही है। द रोल ऑफ लैंग्वेज इज स्पेशली इंपॉर्टेंट। जो भाषा की भूमिका है वो स्पेशली मुख्यतया महत्वपूर्ण है, एज इट सर्व्स एज अ टूल फॉर थॉट एंड कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि ये सोचने विचारने के लिए और संप्रेषण के लिए एक उपकरण का काम करती है। अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की, लैंग्वेज इज नॉट सिंपली अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग एग्जिस्टिंग थॉट्स, बट इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस। वाइगोट्स्की ने कहा कि भाषा सिर्फ हमारे जो एक्सप्रेस करने, अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, बल्कि ये हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए भी नेसेसरी है, आवश्यक है। वाइगोट्स्की आर्ग्यूज दैट थॉट एंड लैंग्वेज आर इन इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड। मतलब हमारा जो भाषा है, हमारी जो भाषा है, हमारे जो विचार है, वो एकदम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। वाइगोट्स्कीज थियरी सेज दैट सोशल इंटरेक्शंस हेल्प चिल्ड्रन डेवलप देयर एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज। वो कह रहे हैं कि जो सामाजिक अंतरक्रियाएं हम लोग करते हैं, वो विद्यार्थी को मदद करती हैं कि वो भाषा के इस्तेमाल की योग्यता को विकसित कर सके। वाइगोट्स्की रिसर्च द कनेक्शन बिटवीन हाउ पीपल लर्न एंड हाउ दे एक्वायर लैंग्वेज। वाइगोट्स्की ने यह अनुसंधान किया, शोध किया, और हमें बताने की कोशिश की कि कैसे लोग कैसे सीखते हैं और लोग कैसे भाषा का अधिग्रहण करते हैं, इसके बीच में कनेक्शन है। ही नोटिस्ड दैट एज ए पर्सन डेवलप्स, ही और शी यूजेज लैंग्वेज इन डिफरेंट वेज, एंड दैट द यूज ऑफ स्पीच ग्रोज फ्रॉम द एक्सटर्नल क्यूज एज ए बेबी टू द प्राइवेट इनर थॉट्स ऑफ एन एडल्ट। वो कह रहे हैं कि एक मतलब कैसे व्यक्ति बड़ा हो रहा है, वो भाषा को कैसे सीख रहा है, कैसे प्रयोग कर रहा है, तो शुरुआत में भाषा हमारे लिए एक्सटर्नल क्यूज, बच्चा कुछ बोलना सीखा, करते करते वो इनर थॉट ऑफ एन एडल्ट हो जाता है। हम मन में भी तो बात करते रहते हैं ना, मन में भी कि जरूरी नहीं हम हमेशा सामने वाले से बात करें, तो धीरे धीरे ये लैंग्वेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और क्या कहा इन्होंने कि देयर आर थ्री स्टेजेस और फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। इन्होंने कहा कि भाषा के प्रकार के नमूने के तीन चरण हैं, या तीन तरीके से ये डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले इन्होंने कहा सोशल स्पीच, फिर कहा प्राइवेट स्पीच, और फिर कहा साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच क्या है कि जो हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, जो हम संप्रेषण कर रहे हैं, दूसरों से कर रहे हैं, और इनके हिसाब से लगभग 2 साल से शुरू हो जाती है, 2 साल से बच्चा बात करने लगता है सामने वाले से। प्राइवेट स्पीच दैट इज डायरेक्टेड टू द सेल्फ बट हैज नॉट येट बीन इंटरनलाइज्ड। हम मतलब हमारी तरफ निर्देशित होती है, स्वयं की तरफ निर्देशित होती है ये प्राइवेट स्पीच, लेकिन अभी भी हम इसको इंटरनलाइज नहीं कर पाते हैं। ये 3 साल की अवस्था से शुरू होता है। और साइलेंट इनर स्पीच, अ चाइल्ड्स इंटरनल मोनोलॉग यूजुअली फ्रॉम द एज ऑफ 7, और 7 साल की उम्र से अधिक होने पर बच्चा खुद से बात करने लगता है, ये उसकी साइलेंट इनर स्पीच है। तो इस तरीके का इन्होंने हमको स्पीच या लैंग्वेज डेवलपमेंट की प्रोसेसेस बताए हैं, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच।
जिसमें से प्राइवेट स्पीच पे पिताजी ने भी बात की है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस एंड सोशल स्पीच, पीपल टॉक टू देमसेल्व्स इंटरनली। जो हम इमोशंस और सोशल स्पीच की अगर साइकोलॉजी देखें, मनोविज्ञान देखें, संवेगों का मनोविज्ञान देखें, तो ये निकल के आता है कि लोग खुद से भी बात करते हैं, इंटरनली बात करते हैं। इन मोस्ट केसेस दे टॉक टू देमसेल्व्स व्हेन दे आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग रॉन्ग और व्हेन दे फील इमोशनल और ट्राइंग टू रिकॉल समथिंग। और ये अक्सर कब होता है, जब हम कुछ कुछ गलत हो जाता है, हम कुछ जूझते हैं, कहीं संघर्ष में होते हैं, या हम बहुत संवेग मतलब इमोशनल भावनात्मक हो जाते हैं, या हम कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद से बात करते हैं। द सेम गोज फॉर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन, और ये बच्चों के साथ ये उनके विकास में होता है। दिस वॉज इंटरप्रिटेड बाई पियाजे एज ईगो सेंट्रिक स्पीच, यानी कि पियाजे ने भी लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की है। आपको ध्यान होगा कि पियाजे और वाइगोट्स्की एक दूसरे के समकालीन है, लेकिन दोनों अलग दिशाओं में बताते हैं। तो पियाजे ने प्राइवेट स्पीच को ईगो सेंट्रिक स्पीच का नाम दिया। क्या कहा उन्होंने ईगो सेंट्रिक स्पीच को? ईगो सेंट्रिक स्पीच अकर्स ड्यू टू ए चाइल्ड्स इन एबिलिटी टू परसीव थिंग्स फ्रॉम अनदर्स व्यू पॉइंट। वो कह रहे हैं कि ईगो सेंट्रिक स्पीच वो है जब बच्चा जो है वो अयोग्य है, मतलब वो कर नहीं पा रहा है, वो चीजों को दूसरे के एंगल से स्वीकार नहीं कर पा रहा है, परसीव नहीं कर पा रहा है, तो वो खुद से बात कर रहा है, ये ईगो सेंट्रिक है। बट डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट वाइगोट्स्की बिलीव दैट इन ईगोसेंट्रिक स्पीच चिल्ड्रन टॉक टू देमसेल्व्स टू क्लेरिफाई थॉट्स और टू शो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मतलब दोनों लोग बात कर रहे हैं, पर दोनों लोग का बताने का तरीका अलग है। जो वाइगोट्स्की हैं उसको प्राइवेट स्पीच का नाम दे रहे हैं, जो पियाजे हैं उसको ईगोसेंट्रिक स्पीच का नाम दे रहे हैं, और थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन अलग है। अकॉर्डिंग टू सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, व्हेन चिल्ड्रन आर लर्निंग टू यूज वर्ड्स व्हाइल दे आर थिंकिंग, दे टेंड टू डू सो इन ए लाउड वॉइस बिफोर फाइनली इंगेजिंग इन इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच व्हाइल देर लिप्स आर क्लोज्ड। जो सामाजिक विकास का सिद्धांत है वो ये कहता है कि जब बच्चे बोलना सीखते हैं तो वो जोर जोर से बोलते हैं उसको, लेकिन जब वो सीख जाते हैं, उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं, तो उनके लिप्स क्लोज होते हैं, तब भी वो बात कर सकते हैं। मतलब ये बता रहे हैं कैसे भाषा का विकास होता है। वाइगोट्स्की बिलीव्स दैट द इनर स्पीच ऑफ पीपल इज ऑपोजिट टू एक्सटर्नल स्पीच, इंटरनल स्पीच इज नॉट एज डिटेल्ड एज द एक्सटर्नल स्पीच दैट वन यूजेस टू कम्युनिकेट विद। तो इस तरीके से मतलब आपको मतलब हमें ये भी मतलब अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट ना पढ़ते, हमें वाइगोट्स्की पियाजे के बारे में नहीं पता होता, तो हमें पता ही नहीं होता कि ये भी है कि सोशल स्पीच होता है, फिर प्राइवेट स्पीच होता है, फिर साइलेंट इनर स्पीच होता है, नॉर्मल है ना। और वाइगोट्स्की वाज द फर्स्ट फिलोसोफर टू डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ प्राइवेट स्पीच एंड एक्सप्लेन इट एज द ट्रांजिशन बिटवीन इनिशियल एक्सटर्नल स्पीच एंड साइलेंट इनर स्पीच। देखिए आप देखिए, सोशल स्पीच है, प्राइवेट स्पीच है, फिर इनर स्पीच है, तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों के बीच का है, मतलब हम कैसे बाहर लोगों से बात कर रहे हैं, कैसे हम खुद से बात कर रहे हैं, उसके बीच की कड़ी है ये प्राइवेट स्पीच। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट थॉट एंड लैंग्वेज वर इनिशियली सेपरेट फंक्शन। वो कह रहे हैं कि शुरुआत में तो भाषा और विचार एक दूसरे से अलग है, अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं, बट बिफोर दे मर्ज एट अराउंड द एज ऑफ 7। और इन्होंने 7 को ही किसकी इनर स्पीच की स्टेज बताया है कि 7 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो खुद से बात कर सकता है, इनर स्पीच आंतरिक बात कर सकता है। तो वो कह रहे हैं कि जब अराउंड 7 के आसपास ये जो थॉट और लैंग्वेज एक दूसरे से मिल जाते हैं, मर्ज कर जाते हैं, शुरू तो अलग अलग करते हैं लेकिन मिल जाते हैं। वाइगोट्स्की बिलीव दैट दिस प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग स्पीच एंड लैंग्वेज वॉज एसेंशियल टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और ये जो प्रोसेस है जहां आपकी भाषा और विचार एक दूसरे से मिल जा रहे हैं, यही जो है वो संज्ञानात्मक विकास के लिए जरूरी है। और आप इसको पियाजे से भी कंपेयर करते चलिए, पियाजे का भी जब फाइनली वो अपर स्टेज पे वो पहुंचते हैं तो वो 7 से 12 वाली ही स्टेज है, जहां वो कह रहे हैं कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आप कर सकते हैं, है ना। फिर वाइगोट्स्की व्यू प्राइवेट स्पीच एज ए मेथड ऑफ सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर, ये स्वयं को नियंत्रित व्यवहार को नियंत्रित करने का भी तरीका है। ही ऑल्सो व्यूड लैंग्वेज एज टूल फॉर एक्सिलरेटिंग अंडरस्टैंडिंग, वो ये भी कह रहे हैं कि भाषा एक ऐसा उपकरण है जिससे खुद को समझने की, चीज़ों को समझने की मतलब गति बढ़ जाती है। फॉर दीज रीजन्स ही हैड होना चाहिए था सजेस्टेड दैट चिल्ड्रन हु इंगेज इन प्राइवेट स्पीच रेगुलरली वुड बी मोर सोशली कॉम्पिटेंट देन दोज हु डिड नॉट। मतलब कि जो भाई प्राइवेट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा सोशली कॉम्पिटेंट होते हैं बजाय उसके जो नहीं करते हैं। इससे आपका इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बढ़ता है, थॉट्स को आप ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। प्राइवेट स्पीच वॉज ऑब्जर्व टू अपियर एट टाइम्स व्हेन ए चाइल्ड वॉज हैविंग डिफिकल्टी विद अ टास्क एंड वॉज देन यूज टू गाइड देयर थॉट्स एंड एक्शंस बाय फर्स्ट ऑर्गेनाइजिंग देम एंड रेगुलेटिंग देम। मतलब प्राइवेट स्पीच वो कह रहे हैं कि जब हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे खुद को, हमें कुछ डिफिकल्टी हो रही है किसी टास्क में, तो गाइड करने के लिए उनके थॉट और एक्शन को पहले वो खुद ऑर्गेनाइज और रेगुलेट करते हैं, तब वो बाहर वाले से बात करते हैं या अंदर
इंटरनल स्पीच बनाते हैं उसको। तो अब जरा देखें कि डिफरेंस क्या है पियाजे और वाइगोट्स्की के बीच में। तो पियाजे भाई से स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी। उसी समय लगभग लेव वाइगोट्स्की ने भी अपनी थ्योरी दी, वो ये रूस के थे, रशियन थे। पियाजे's थ्योरी हैड अ लार्ज इन्फ्लुएंस ऑन द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। नो डाउट पियाजे का इम्पैक्ट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पे ज्यादा है। पियाजे's थ्योरीज आर लार्जली बोथ मोर वेल नोन एंड मोर हैवीली क्रिटिसाइज्ड देन वाइगोट्स्की's, मोस्टली बिकॉज दे आर बेटर अंडरस्टूड। पियाजे की थ्योरी ज्यादा पॉपुलर भी है और ज्यादा क्रिटिसाइज भी की जाती है वाइगोट्स्की के मुकाबले, क्योंकि वाइगोट्स्की की थ्योरी उतनी पॉपुलर नहीं है, उतना अंडरस्टैंड उसको बढ़िया तरीके से नहीं किया गया है। देयर आर अ नंबर ऑफ की डिफरेंसेस बिटवीन वाइगोट्स्कीज ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरीज एंड पियाजेस, और बहुत सारा अंतर है जहां पे हम वाइगोट्स्की और पियाजे को कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, द वे दैट कल्चर इफेक्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कल्चर की जो बात वाइगोट्स्की ने की वो पियाजे ने नहीं की। वाइगोट्स्की कह रहे हैं कि कल्चर जो है वो कॉग्निटिव ग्रोथ को स्पेसिफिक करता है, रेगुलेट करता है, गवर्न करता है, और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस नहीं बताई हैं। जबकि पियाजे कह रहे हैं कि किसी भी कल्चर में हो जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्हीं चरणों से गुजरेगा। हमने कहा ना 7 से 11 वाला कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहे थे, जहाँ पे थॉट और जो आपका लैंग्वेज है वो मर्ज हो जाता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, पियाजे तो कह रहे हैं आप किसी भी कल्चर में रहें इन्हीं स्टेज से गुजरेंगे। लेकिन वाइगोट्स्की कह रहे हैं कि चूंकि कल्चर आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित कर रहा है, तो कल्चर से कल्चर आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो वेरी करेगा, है ना। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, लर्निंग एज ए सोशल प्रोसेस। वाइगोट्स्की कह रहे हैं कि जो अधिगम है वो सामाजिक प्रक्रिया है, पियाजे ऐसा नहीं कह रहे हैं। पियाजे कह रहे हैं कि इन वो चाइल्ड अपने आप मतलब डिस्कवर करता है। वाइगोट्स्की थ्योरी ऑन चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट सेंटर्स अराउंड लर्निंग बीइंग एन इनहेरेंटली सोशल प्रोसेस। ही प्लेसेस एम्फेसिस ऑन सोशल इंटरेक्शन एज अ डिफाइनिंग एलिमेंट ऑफ लर्निंग एंड सेज इट कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट। वाइगोट्स्की कह रहे हैं कि आप अधिगम को उसके सामाजिक परिदृश्य से, सामाजिक कंटेक्स्ट से हटा ही नहीं सकते, है ना। और वो कह रहे हैं इसमें ZPD की बात करते हैं कि एक मोर नॉलेजेबल पर्सन आपके साथ हो तो आपको गाइड करेगा तो बेहतर होगा। जबकि पियाजे कह रहे हैं कि जो लर्निंग है वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो अपनी जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन को गवर्न करता है। ही डिड नॉट डू एज मच रिसर्च और ऑब्जर्वेशन ऑन द रोल दैट सोशल इंटरेक्शन प्लेड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पियाजे ने सोशल इंटरेक्शन की इतनी बात नहीं की। भाषा का रोल, जो वाइगोट्स्की है वो कह रहे हैं भाषा बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू द रोल ऑफ लैंग्वेज इन डेवलपमेंट। वाइगोट्स्की एंड पियाजे हैव वेरी डिफरेंट थ्योरीज। वाइगोट्स्की कहते हैं कि थॉट और लैंग्वेज बोथ बिगिन अर्ली ऑन इन डेवलपमेंट बट दे आर सेपरेटली इनिशियली सेपरेट फंक्शंस, है ना। शुरुआत में जो भाषा है, विचार है, एक दूसरे से अलग है, फिर वो मर्ज हो जाता है और उसके बाद इनर्ट स्पीच शुरू होती है। He goes on to say that the internalization of language is a necessary step. और वो कह रहे हैं कि ये जो internalization of language है, ये जो inner speech वाली stage है, वो cognitive development के लिए बहुत जरूरी है। जबकि पियाजे कह रहे हैं कि thought comes first and language develops as a result of this. पियाजे कहते हैं कि पहले हमारे मन में विचार आता है और फिर भाषा आती है। Vygotsky also highlighted the significance of the stage in between external speech and inner speech, जिसको कि private speech का नाम दिया गया। Piaget theories did not place much importance on this stage and instead suggested that it was a sign of immaturity. जबकि Piaget ने private speech की ज्यादा बात नहीं की, उन्होंने उसकी जगह egocentric speech की बात की, जिसको कि वो कह रहे हैं कि वो कुछ immaturity वाली बात है, जब बाहर वाले किसी की बात आप समझ नहीं पा रहे, कुछ ऐसा। और Piaget ने कहा कि जहाँ पियाजे थियोराइज दैट प्राइवेट स्पीच डिमिनिश्ड विद एज, वो कह रहे हैं कि प्राइवेट स्पीच एज के साथ खत्म होती जाती है, क्योंकि चाइल्ड जो है वो सोशलाइज्ड होता जाता है और एक्सटर्नल स्पीच के लिए एडजस्ट करता जाता है। जबकि वाइगोट्स्की कह रहे हैं कि प्राइवेट स्पीच विच इज इन कंट्रास्ट विद वाइगोट्स्की थ्योरी दैट प्राइवेट स्पीच डिसअपीयर्ड एज इट बिकेम साइलेंट एंड इंटरनलाइज्ड। और वाइगोट्स्की कह रहे हैं कि प्राइवेट स्पीच ही आपकी साइलेंट हो जाती है और आप उसको इंटरनलाइज्ड करके इनर स्पीच बना लेते हैं। मतलब दो लोग हैं, एक समय है, एक दूसरे के एक ही जैसी मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कंट्रास्टिंग बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, है ना, और दोनों ही पॉपुलर हैं। एडल्ट गाइडेंस की बात वाइगोट्स्की ने की है, ZPD की बात की है, ये सारी बातें पियाजे ने नहीं की हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे's कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, चिल्ड्रन मस्ट बी प्रोवाइडेड विद अपॉर्चुनिटीज फॉर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोरिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट लर्निंग। जबकि वाइगोट्स्की कह रहे हैं कि चिल्ड्रन कैन रीच अ सुपीरियर कॉग्निटिव डेवलपमेंटल लेवल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन या कॉग्निटिव डेवलपमेंट इवन इन एब्सेंस ऑफ टीचिंग्स टॉट बाई मोर लर्नड पीपल। तो ZPD वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही वाइगोट्स्की का पियाजे से कंट्रास्टिंग है।
इतना है, मतलब सोशल का, सोसाइटी का रोल, कल्चर का रोल, लैंग्वेज का रोल, फिर लैंग्वेज में इतनी तरीके की बातें, वो प्राइवेट की बात कर रहे हैं, ये प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, ये कह रहे हैं वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि थॉट और लैंग्वेज जो है वो सेपरेटली पहले ग्रो करते हैं, फिर दोनों मर्ज कर जाते हैं, जबकि पियाजे कह रहे हैं कि थॉट पहले डेवलप होता है, लैंग्वेज बाद में डेवलप होती है। तो ये सारी बातें हैं, साइकोलॉजी के दो महान विद्वान हैं ये लोग। तो वाइगोत्स्की का लैंग्वेज डेवलपमेंट पे बहुत पूछा जाता है, सोशियो कल्चरल थ्योरी पूछा जाता है, पियाजे डिस्कस कर लिए थे, वाइगोत्स्की रह गए थे। सो आई हैव कंप्लीटेड दिस वन टू, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन, आई हैव डन फ्रॉम इट।